नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो आपकी सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ है, एनसीईआरटी की बुक है आपकी मैथमेटिक की, क्लास ट्वेल्थ की एक्सरसाइज 7.2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हम। हमारा चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल्स, इसके क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व हो गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमें करना क्या, जो फंक्शंस गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर उनको इंटीग्रेट करना है, यानी उनका इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये है आपकी क्लास ट्वेल्थ के लिए। काफी ज्यादा सिंपल है ये एक्सरसाइज, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है। थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले भी आते होंगे ना, तो ये बहुत ही इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको ये फंक्शन प्रोवाइडेड है, e की पावर 10 इनवर्स x डिवाइड में 1 प्लस में x का स्क्वायर dx, यानी विद रिस्पेक्ट टू x आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ना यहाँ पे आपको अपर लिमिट ना ही लोअर लिमिट प्रोवाइडेड होगी, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे आपको। इसका सोल्यूशन देखते हैं हमें क्या करना है, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, यानी हमें कोई जो भी हमारे पास क्वांटिटी है उसको t के इक्वल कंसिडर करना है और वहां से dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हम सब्स्टिट्यूशन भी इस तरीके से करते हैं कि हमारे टर्म्स कैंसिल हो सके। अब अगर यहाँ पे आप देखते हैं tan इनवर्स x, तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को कंसिडर कर लेंगे t के इक्वल। तो यहाँ लिख देते हैं लेट, हमने t को इक्वल मान लिया है tan इनवर्स x के। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो यहां लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी एक साथ है, इसी तरीके से पूरी क्वांटिटी एक साथ है। हम चाहेंगे कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं चली जाए, यानी यहां से हट जाए, कैंसिल हो जाए, ताकि हम और भी ज्यादा इजी वे में इसको इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, क्योंकि अभी ये क्या है, डिवाइड में है। अगर ये सिंगल टर्म बन जाए तो काफी ईजी होगा इसको इंटीग्रेट करना। तो हम यहां से देख रहे हैं कि यहाँ dx की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो यहां से हम dx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से dx की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dt। तो अब ये जो dx की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, इसे हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, अब देखो tan इनवर्स x को आपने सब्स्टिट्यूट किया है t, तो यहां लिख देंगे e की पावर t डिवाइड में आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की जगह आपने फाइंड किया है कि आपके पास वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, यानी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा e की पावर t dt का। अब आपको पता है कि e की पावर में कुछ भी हो वो सेम रहती है, और उसके बाद पावर का इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे t है, तो e की पावर t प्लस में c हो जाएगा। c हमारा आर्टिब्रेरी कॉन्स्टेंट होता है इंटीग्रेशन का। अब अपना आंसर तो पूरा सॉल्व हो गया है, लेकिन अगर हम देखें वापिस से हमारे फंक्शन में जाके, फंक्शन में हमें t के टर्म में नहीं दे रखी है वैल्यू, हमें x के टर्म में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, वापस इसको x के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो t की वैल्यू आपने कंसिडर की थी tan इनवर्स x, इसको फिर से यहाँ पुट कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा देयरफोर, जो आपके पास फंक्शन था e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर t, तो t की जगह हमने लिया था tan इनवर्स x प्लस में c, हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपका 18th क्वेश्चन हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 19th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन में आपको इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड में e की पावर 2x प्लस में 1 dx। अब बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे हैं कि भाई ये तो काफी इजी सा दिख रहा है, यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा है, टर्म तो दोनों एक जैसी हैं। लेकिन आपको यहाँ चलाना पड़ता है दिमाग, क्योंकि हम यूज करें सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या कैंसिल करें। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता है कि अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं नीचे वाली टर्म का, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 0। अब ये तो हमारे किसी काम की टर्म आई नहीं, 2 इंटू में e की पावर 2x, ये हमारे किसी भी काम की टर्म है नहीं, ना ये किसी चीज को कैंसिल कर रही, बल्कि और कॉम्प्लेक्स और कर देगी हमारे फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर है, हम इसे डिवाइड कर देंगे e की पावर x से, इस तरीके से, ताकि जो नीचे वाली टर्म आए इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर प्रेजेंट हो सके। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं डिवाइड न्यूमिरेटर एंड
डिनोमिनेटर बाय ई की पावर एक्स। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों ही हम यहाँ क्या करेंगे फंक्शन में ई की पावर एक्स से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा ई की पावर टू एक्स डिवाइड में ई की पावर एक्स माइनस में वन डिवाइड में ई की पावर एक्स। हमने एक अलग अलग करके लिख दिया है, इसको एलसीएम लेकर भी लिखा जा सकता है। तो ई की पावर टू एक्स डिवाइड में ई की पावर एक्स प्लस में वन डिवाइड में ई की पावर एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो ये वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ये जो एक्स है ऊपर चली जाएगी पावर, तो ये बन जाएगी यहाँ पे इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, तो टू एक्स माइनस में एक्स हमारे पास वैल्यू बचेगी ई की पावर एक्स माइनस में ये पावर के साथ ऊपर चला जाएगा यानी यहाँ बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स और नीचे बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है। अब देखो हमने क्यों किया था ऐसा, अगर आप इस नीचे वाली टर्म को कंसिडर कर लेते हैं लेट ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी और दोनों साइड क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। अब ये हो जाएगा देखो e की पावर माइनस एक्स और इस माइनस x का करेंगे तो वन ही होगा मल्टीप्लाई में और माइनस x का करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई में होगा इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारी ऊपर प्रेजेंट है यानी कि ये वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं कैंसिल होने में काफी मदद करेगी और वो कैसे करेगी क्योंकि यहां से अगर आप dx की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी dt अपॉन में e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x। अब ये चीज यहाँ पे डिवाइड में होगी और ये ऊपर है यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी वजह से ये स्टेप आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में चेक करना है क्या जो नीचे प्रोवाइडेड वैल्यू है क्या वो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन अगर करें तो क्या वो नीचे वाली टर्म डिफ्रेंसिएशन करने पर ऊपर वाली टर्म दे रही है, अगर दे रही है तो वो इजीली कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा क्या चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड की जाए कि हमारे पास नीचे या ऊपर वाली टर्म दूसरी वाली टर्म का हमें डिफ्रेंसिएशन दे। ठीक है तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं डीएक्स की वैल्यू और हमने जो टी कंसिडर किया इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे टी वैल्यू पुट की है क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू को टी के इक्वल और ये हमारे पास डीएक्स की वैल्यू आई थी। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, इनको कर देंगे हम कैंसिल तो वैल्यू आ जाएगी वन डिवाइड में टी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब वन अपॉन में टी का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस में सी हमारा कॉन्स्टेंट आ जाता है। अब हमें चाहिए एक्स की टर्म में तो अगेन हम क्या करेंगे टी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने कंसिडर की थी ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स। तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ जो आपको दे रखी थी वैल्यू देखो क्या थी ई की पावर टू एक्स माइनस में वन डिवाइड में ई की पावर टू एक्स प्लस में जो वन दे रखी थी इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग ऑफ, अब ये एक्स के टर्म में है तो टी की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं तो टी हमने कंसिडर किया था ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास 20 क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। यहाँ पे दे रखा है e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x डिवाइड में e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो टर्म हमें नीचे दे रखी है डिनोमिनेटर में उसका डिफ्रेंसिएशन करने से ऊपर वाली टर्म हमें मल्टीप्लाई में मिलेगी और वो कैसे मिलेगी वो देखते हैं इसको लेट करके इसका आंसर देखते हैं। अगर आप कर लेते हैं लेट e की पावर जो नीचे दे रखी है 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, तो ये हमारे पास देखो बोथ साइड आपको करना है डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 2e की पावर 2x, ये बन जाएगा माइनस में 2e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब ये 2 यहां से कॉमन ले लो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। अब यहां से अगर आप देखते हो तो हमें ये वाली वैल्यू ऑलरेडी दिखाई दे रही है हमारे न्यूमिरेटर में यानी इसकी वजह से हम कैंसिल कर सकते हैं इस वैल्यू को, तो उसके लिए हमें dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो dx की वैल्यू हम क्या ले, देखो हम क्या करेंगे dx की वैल्यू निकालने के बदले हम इस पूरी टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt से और वो कैसे करेंगे हम इस dx को इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ डिवाइड में ले आते हैं यानी ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x इंटू में dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2। अब ये वैल्यू पूरी हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर में दिखाई दे रही है, इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन में 2, तो लिख देते हैं तो इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन में e की पावर जो हमने ये नीचे वाली वैल्यू इसको तो t कंसिडर किया तो इसको यहाँ लिख देते हैं t
इंटू में डी टी अपॉन में टू, यहाँ पे डीएक्स की वैल्यू लिख दी और साथ में न्यूमिनेटर में ये जो वैल्यू थी इसके साथ ही इसकी डीएक्स के साथ इसकी वैल्यू थी डी टी अपॉन में टू, तो आपको दिखाई दे रहा है वन अपॉन में टू, तो ये कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया हमने। इंटीग्रेशन करना है वन अपॉन में टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी होता है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस में सी, यानी कि हमारा कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन में टू लॉग ऑफ, अब हमें एक्स की टर्म में चाहिए, तो जिस वैल्यू को हमने टी कंसिडर किया था वापस उसको रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वैल्यू थी हमारी ई की पावर टू एक्स प्लस में ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस में सी, हमारा कॉन्स्टेंट था। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया यहाँ पे कम्प्लीट, और ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं आगे सॉल्व। तो अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट पेज पे क्या किया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है 21। इसमें फंक्शन दे रखा है टेन स्क्वायर और इसके साथ दे रखा है 2x-3dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब हमें पता है कि अगर हम इसे सेक के टर्म में लिख लेते हैं तो इंटीग्रेशन करना काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, तो उसके लिए आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, और वो क्या होती है आपको पता है कि हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस में वन को सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि हमें तो सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है 2x-3, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वन, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और एक्स की जगह है 2x-3 माइनस में वन, और इस पूरे का हमें करना है इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे क्योंकि बीच में माइनस ऑपरेशन है, तो हम यहां से सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर 2x-3dx माइनस में 1dx। अब हमें पता है 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा x और माइनस हमारे पास प्रेजेंट है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x-3dx, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस में सी वन। ये वैल्यू को जब हमने इंटीग्रेट किया है तो सी वन हमारे पास कांस्टेंट आया है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट को लिख दिया है। अब इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इतना आंसर हमारे पास आ चुका है, अभी भी हमें इस पार्ट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हम इसे आई के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन आएगा तब जब हमारे पास इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम पुट करेंगे। हम इसको आई वन कंसिडर कर लेते हैं, आई वन को अब हम सेपरेटली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग इंटीग्रेशन वन, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पे आपके पास सिंपल वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x-3dx। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 2x-3, हम इसको t कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं लेट 2x-3 इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, यहां लिख भी देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2-0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डीएक्स, तो यहां से हमारे पास डीएक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में 2, जो हमें यहाँ पे पुट करनी है, जिसमें से 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, यानी कि sec स्क्वायर टी डी टी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है जो होता है 10x, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 10x, और x की जगह आपके पास t है, 1/2 भी प्रेजेंट है हमारे पास, और प्लस में c2 हमारे पास, हमने इसका नया आर्टिब्रेरी कांस्टेंट रख दिया है। अब इस t की वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी, तो इस t की वैल्यू अगेन हम पुट कर देते हैं जो है 2x-3, तो वैल्यू हो जाएगी i1 का इंटीग्रेशन आएगा 1/2 10, i की जगह आएगा 2x-3 प्लस में c2। अब ये वैल्यू हमें आई के अंदर पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तभी ओवरऑल हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा 21 क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसका। तो ये आई वन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 10 2x-3, और यहाँ पे है प्लस में c2, और वहां पे था माइनस एक्स प्लस में c1। अब इन दोनों को मिला के हम c हमारा कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/2 10 2x-3 माइनस एक्स प्लस में c। तो ये आपके पास 21 जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन आ गया है। आई होप कि आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है,